मैं हूँ प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर टू आज, जो कि है फाइनेंशियल सर्विसेज। चैप्टर वन हम खत्म कर चुके हैं, आज से चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंडेक्स है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम फर्स्ट ईयर लेक्चर में, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज की, लेकिन उसके पहले हमें समझना ज़रूरी है कि सर्विसेज क्या होता है। तो देखो, सर्विसेज का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर, या फैसिलिटी भी बोल सकते हैं इसको हम, कि जहां पर कुछ काम करा जाए, कुछ काम करा जाए किसी बेनिफिट के कंसीडरेशन में। बेनिफिट बोले तो यार देखो, सिंपल सी बात है, सर्विसेज का मतलब ये हो गया कि आप किसी को कुछ काम करके दे रहे हो तो आपको पैसा दे रहा है। किसी का कोई काम आप करके दे रहे हो, उसके बदले में आपको मनी मिल रही है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हो आप, तो डॉक्टर क्या करता है, आपको ठीक करके दे देता है, उसके बदले में वो आपको, आप उसको पैसा देते हो, पेमेंट करते हो, ठीक है। आप वकील के पास जाते हो, वकील आपके बिहाफ पे आपका केस लड़ता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो इसी का मतलब यही हुआ कि आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ वर्क कर रहे हो, ठीक है। आप कुछ दे नहीं रहे हो, कुछ आप गुड्स नहीं दे, सामान नहीं देते हो आप, उसके बदले में आप आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी उसको दे रहे हो, ठीक है। और इसी को हम सर्विसेज बोलते हैं। अब अगर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करी जाए, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में वो सारी सर्विसेज, वो सारी स्किल्स, एबिलिटी, वर्क आप दोगे या सामने वाला आपको देगा, जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंस मतलब कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि मनी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं मनी के एक्सचेंज से रिलेटेड, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका रिलेशन कहीं ना कहीं मनी या कोई असेट्स से है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मीनिंग और कंसेप्ट क्या होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का, वो सब हम देखते हैं अब, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज जो कि फाइनेंशियल नेचर की होती है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज फाइनेंशियल सर्विसेज कहलाती है। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब होता है कि रिसोर्सेज को या सेविंग्स को मोबिलाइज करना और अलोकेट करना। मोबिलाइज करने का मतलब ये होता है कि जो लोगों ने सेविंग करी हुई है उनसे वो सेविंग निकलाना और उसको सही जगह जगह पर इन्वेस्ट करवाना, जिससे कि इकोनॉमी का रोटेशन चलता रहे। क्योंकि अगर आप सोचोगे आप घर में या गुल्लक में पैसे डाल के आप खुश होगे, लेकिन उससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। इससे बेटर ये है कि उसको आप या तो बैंक में डालो, या फिर किसी शेयर्स में, या म्यूचुअल फंड में, या स्टॉक में उसको आप इन्वेस्ट करो, तो वो आपको फायदा देगा, प्लस वो इकोनॉमी को भी हेल्प करेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री जो होती है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हैं। जब चाहे वो बैंकिंग की बात कर लो, ठीक है, इंडिया में जितनी बैंक है, हर बैंक में कम से कम 50,000 से 1,00,000 एम्प्लॉय तो है ही सही, और ये पूरे वर्ल्ड की हालत है, ठीक है, कि हर बैंक में कम से कम 50,000 से 1,00,000 और 5-5, 10-10 लाख तक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। दूसरा, बैंकिंग के अलावा भी अगर आप बात करें स्टॉक मार्केट की, तो हर दूसरा बंदा कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में काम करता है, ठीक है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। आप अपनी पूरी सेविंग्स को या तो म्यूचुअल फंड में लगाओगे, या इंश्योरेंस में लगाओगे, ठीक है, या फिर किसी ऐसी ही चीज़ में लगाओगे, CA, CS, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करी जाए फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स फॉर द प्रॉपर अलोकेशन ऑफ फंड। डेफिनेशन बहुत ऐसी कैसी पढ़नी रहती है, उसको अब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को या फिर बोरोवर्स को। इन्वेस्टर्स मतलब कि वो लोग जो कि अपनी सेविंग्स को कहीं पर लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बोरोवर्स मतलब कि वो लोग जो कि ये दूसरों की सेविंग लेकर उससे कुछ और वर्क, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। इन दोनों को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो सारी सर्विसेज को हम फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। फिर से वही बात, फाइनेंशियल सर्विसेज आर रिफर टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है,
और ये मेनली डील करता है मनी के मैनेजमेंट से। ठीक है, इसके अंदर हम देखा था बैंक, सारी बैंक्स आ गई, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, ठीक, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज आ गई, स्टॉक ब्रोकर्स आ गए, इन्वेस्टमेंट फंड्स आ गए और दूसरी रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ गई जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती हैं। अगर नेचर और कंसेप्ट की बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो सबसे पहली चीज़ इनटेंजिबल होती है, मतलब कि दिखती नहीं है, सिर्फ आप इसको फील कर सकते हो। ठीक है, इनसेपरेबल होती है, मतलब ये नहीं कर सकते कि आपको एक सर्विसेज नहीं चाहिए तो आप आधी सर्विस ले लो। ठीक है, आपको लेना पूरी ही पड़ेगी, आप कभी नोट को फाड़ नहीं सकते हो। ठीक है, या आप ये नहीं बोल सकते कि हमको ये चाहिए वो नहीं चाहिए, क्योंकि आप कोई सर्विसेज को ब्रेक नहीं कर सकते, जो चीज़ है उसको वैसा कैसा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, हेट्रोजिनिटी है, मतलब कि हर क्लाइंट के लिए सेम सर्विस प्रोवाइड नहीं करी जा सकती है, हर क्लाइंट की नीड अलग होती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है और उसकी एबिलिटी अलग अलग होती है, तो हर क्लाइंट के हिसाब से ये काम होता है फाइनेंशियल सर्विसेज में। अगर कोई क्लाइंट है, वो दो क्लाइंट है, दोनों की सैलरी सेम है, पर एक की एज 35 ईयर्स है, एक की एज 25 ईयर्स है, तो आप 25 ईयर्स वाले को ज़्यादा रिस्की असेट्स में इन्वेस्ट करने की एडवाइस दोगे और 35 ईयर्स वाले को थोड़ा कम रिस्की असेट्स में आप इन्वेस्ट करने की सलाह दोगे। तो दो रोल लोगे, दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं, दोनों की इनकम अगर सेम है पर एज डिफरेंस है, तो उसके कारण हम दोनों की को सर्विसेज प्रोवाइड करने में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, या मान लो अगर एज भी सेम है लेकिन फैमिली बैकग्राउंड एक थोड़ा सा अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, थोड़ा रिच फैमिली से, एक दूसरा है जो कि थोड़ा पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, तो भी दोनों को सर्विस देने में आपको डिफरेंस आएगा, आपको डिसीजन उन दोनों के हिसाब से अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, पेरिशेबिलिटी है इसके अंदर, मतलब कि सिर्फ टारगेटेड क्लाइंट के लिए क्रिएट करी जाती है और उनको डिलीवर करी जाती है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, और एक बार सर्विसेज प्रोड्यूस कर दी गई, ठीक है, तो फिर कस्टमर को उसको कंज्यूम करना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। मान लो अगर मैंने आपको, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, मैंने आपको एडवाइस दी कि आपको ये वर्क करना चाहिए अपने पैसों से रिलेटेड, या आपको टैक्स सेविंग में इस टाइप से कुछ करोगे तो फायदा मिलेगा, तो आप जब तक उसको करोगे नहीं तब तक फायदा नहीं मिलेगा, सिंपल है। ठीक है, तो आपको मैंने जो एडवाइस दी वो आपको फॉलो करना पड़ेगी, तो ही आपको फायदा मिलेगा। अगली है इंफॉर्मेशन बेस्ड, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन का, डेटा का काम फाइनेंशियल सर्विसेज में ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, इंडिया के वर्ल्ड कोई भी स्टॉक मार्केट की बात कर लो, जरा सा एक इकोनॉमिक चेंज होता है, जरा सा एक न्यूज़ आती है, मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, पूरा हिल जाता है मार्केट, हर सेकंड में 3 बार चेंज होता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट रहता है उसके ऊपर है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक फाइनेंशियल सर्विसेज एक तरह से इन्वेस्टर के एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी सारे डायनेमिक होता, बहुत नेचर का होता है, बहुत तेजी से चेंज होता है, एक एक इवेंट हुआ और चेंज होते गया, आज मोदी जी ने भाषण में ये बोला और पूरा मार्केट चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ों के प्राइस ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर कल अमेरिका में ट्रंप ने कुछ और बोला लेकिन उसका इफेक्ट पड़ेगा इंडिया में, परसों पाकिस्तान से भारत की लड़ाई हो गई तो फिर उसका इफेक्ट इंडिया में कुछ और ही पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, छोटा सा भी एक इवेंट होता है उसका इफेक्ट भी इसके ऊपर पड़ता है। अगली चीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्क रहता है और उसको भी ये कवर कर लेता है, कैसे कवर करता है, हेजिंग के द्वारा या फिर इंश्योरेंस के द्वारा। इंश्योरेंस आपको पता है, हेजिंग ये समझ लो आप कि आप कोई काउंटर पोजीशन ले लेते हो, मान लो कि आपने यहाँ पर बाय करा है तो किसी और से डील कर लोगे, भाई आपको इतने रुपए में सेल करूंगा, ठीक है, ज़्यादा प्राइस हो तो आपका फायदा, कम प्राइस हो तो मेरा फायदा। ठीक है, तो जो भी है, मतलब कि रिस्क को भी मिनिमाइज करने का काम करता है, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर देता है लोगों के बीच में। अब फाइनेंशियल सर्विसेज के स्कोप की बात करें हम, तो सबसे पहले इसमें आती है कुछ ट्रेडिशनल एक्टिविटी जो कि फंड बेस्ड रहती है, और फिर कुछ आती है नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी, मतलब ट्रेडिशनल के अंदर दो, अंडर दो आ गई है, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में आ जाता है अंडर राइटिंग, हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिस्कस करा है इसके बारे में। सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज में भी डील करती है फाइनेंशियल सर्विसेज, सेकेंडरी मार्केट मतलब कि जहाँ पर न्यू इश्यूज नहीं होते हैं, पुराने इश्यूज के ऊपर ही बाइंग सेलिंग होती है। फॉरेक्स मार्केट का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करती है,
ठीक है, मनी मार्केट में पार्टिसिपेट करती है। मनी मार्केट मतलब कि जहाँ पर ये कमर्शियल पेपर, टी बिल्स, मतलब कि 1 साल से कम अवधि के जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रेड करे जाते हैं। ठीक है, इन सब में क्या लगता है, फंड लगता है। अगर आपको ये सारी सर्विसेज लेनी है तो आपके पास में पैसा होना चाहिए। अब नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन फंड एक्टिविटीज़ में आपको कैपिटल इश्यूज को मैनेज करना है, आपको कंपनी के, अपने क्लाइंट के। ठीक है, आपको कैपिटल या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आपको अरेंजमेंट बनाना है। अगर आपके क्लाइंट को कुछ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट चाहिए या डेट इंस्ट्रूमेंट चाहिए तो आप कैसे चाहिए, कौन से बेस्ट रहेंगे उसके लिए, वो आपको पता करना है। और अपने क्लाइंट के लिए फंड का अरेंजमेंट करना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। लाइक आपका क्लाइंट है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसको अभी कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो आपके बिहाफ पर आपका मर्चेंट बैंकर जाएगा। ठीक है, या आप जिस हिसाब से भी फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हो वो जाएगा और बैंकों से जाकर जाकर डील करेगा। आगे बढ़ते हैं, मॉडर्न एक्ट की तो हमारी सारी थी ट्रेडिशनल एक्टिविटी, मतलब ये पुराने टाइम से चली आ रही है। मॉडर्न में कुछ और एक्टिविटीज़ नए टाइम में जुड़ गई है इसके साथ में, जैसे कि एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना। सबसे ज़्यादा मार्केट अभी एडवाइजरी का ही चल रहा है। ठीक है, मर्जर और एक्विजिशन की प्लानिंग करना भी फाइनेंशियल सर्विसेज में आ गया है। फिर जॉइंट वेंचर या फिर जॉइंट वेंचर या फिर जो कोलाबोरेशन में कंपनियां काम करती है, जैसे कि हमने बात करी थी आइडिया वोडाफोन की, जो कि एक अभी जॉइंट वेंचर बना के काम कर रही है। उसके पहले हीरो होंडा एक जॉइंट वेंचर था, हीरो कंपनी अलग थी, होंडा कंपनी अलग थी, दोनों मिलकर एक कंपनी बनी हीरो होंडा, तो ये जॉइंट वेंचर था। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कौन कहाँ कैसा रहेगा, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगी, वो सारी चीज़ों को डिसाइड करती है। फिर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का तो पोर्टफोलियो होता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उसको मैनेज करने का काम करते हैं। फिर हेजिंग करते हैं, हेजिंग किसके थ्रू करते हैं, स्वैप्स के थ्रू या फिर डेरिवेटिव्स के थ्रू। ठीक है, स्वैप्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव क्या होते हैं, हम कभी पढ़ेंगे इसको, उनके ऊपर पूरा पूरा एक सब्जेक्ट है, तो अभी हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फिर क्लाइंट्स को एडवाइस करना कि वो बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर सके इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उनको बहुत सारे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे सोर्स हैं। अब बेस्ट क्या है वो चूज़ करना, वो भी क्लाइंट को एडवाइस करना कौन सा बेस्ट रहेगा उनके लिए। और फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को प्रमोट करने का काम भी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर और मिलेंगे हम कुछ नए टॉपिक के साथ।